أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. All second year students, all those who are studying applied art, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने स्मार्ट सिलेबस में निशान लगा लें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें. पहले थ्योरी का पोर्शन है, एप्लीकेशन ऑफ आर्ट इन एवरी डे लिविंग, तो उसमें देख लें एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन. अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो आप जो है इसकी ट्रांसलेशन मैं कर देती हूँ. एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन थ्रू प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट. कोई भी तीन क्राफ्ट लेने हैं आपने, डिज़ाइन वाले, कंस्ट्रक्शन वाले या प्लानिंग वाले, तो उनको सॉरी नीचे दिए हुए हैं थ्री. टाइड एंड डाइड एंड स्टेंसिल्ड दुबट्टाज और स्कार्फ्स, बाटिक कर्टन और कमीज़. ठीक है, दुबट्टे को टाई एंड डाई करना और स्टेंसिल दुबट्टा बनाना या स्कार्फ बनाना. उसके बाद देखिए लेदर वर्क, पॉकेट बुक्स, सैंडल्स, बास्केटरी, टू टाइप्स ऑफ बास्केट. बास्केट बनाने की टाइप्स आपने सीखनी है. ठीक है, थ्योरी में वो किस तरह बनाते हैं, लेदर वर्क कैसे करते हैं, पॉकेट बुक्स कैसे बनाते हैं, ये सब सैंडल्स और बास्केटरी. नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉ वीविंग, जो तिनके लेके तो उनको वीव किया जाता है, बुना जाता है. मैट्स फॉर टेबल, टेबल पे डालने के लिए मैट्स कैसे बनाए जाते हैं. ब्लॉक प्रिंटिंग, क्रबिंग ऑफ कार्विंग एंड एनग्रेविंग. ठीक है, ये जो पत्थरों के ऊपर सारा पोर्शन लिखने वाला, ये आप अपने सिलेबस से देख लें. क्लास वर्क और होमवर्क आपने दोनों करने हैं, वो आपको पता है. नेक्स्ट बेटे देखिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, कौन कौन से ये सारे टॉपिक को रीड करने और अंडरस्टैंड करने. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट अप्लाई टू ऑल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हारमनी, रिदम, बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड एम्फोसिस. तो ये सारे असूल करने हैं आपने प्लानिंग करते हुए. कंस्ट्रक्शन में हारमनी जो एक महंगी होती है, रिदम है, बैलेंस में, प्रोपोर्शन में और एम्फासिस, और उसके एम्फासिस करना है. बुक से कर लें बेटा ये सारे पोर्शंस, और उसके बाद आपने इन सारे चैप्टर्स को रीड करने हैं, इनको लर्न करना है. थर्ड पोर्शन है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट अप्लाई टू ऑल क्रिएटिव वर्क, उसमें आपने कौन कौन सा कलर का पोर्शन अच्छे तरीके से करना है, टेक्स्चर का, लाइन का एंड फॉर्म. और उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन में देख लें कि आपका कितना है. बस यही है टोटल, सही हो गया. तो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स. सही हो गया. दिस वाज योर टोटल सिलेबस ऑफ अप्लाइड आर्ट. स्टे ब्लेस्ड.